बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आप मुझे परमिट करते हैं दिल्ली की समस्याओं को उजागर करने के लिए। सर ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, दिल्ली में लगभग 2100 अनऑथराइज कॉलोनी है और वो दिल्ली की सरकार ने अभी तक पास नहीं की है। सर उनके साथ धोखा बार बार किया जाता रहा, ये कांग्रेस के लोग सोनिया जी ने एक बार प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे थे चुनाव में वोट लेने के लिए, सर कुछ ही नहीं किया सर 2008 के बाद से लेकर अभी तक। अब सर उसके बाद उन कॉलोनियों में हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था 2008 में कि इन कॉलोनियों में डेवलपमेंट अगर सरकार करेगी बेसिक एमिनिटीज, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तब 2008-09 में सड़कें बननी शुरू हो गई थी सर, लेकिन अब 4 वर्ष से जो सरकार सर बैठी हुई है उन अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर MCD काम नहीं कर सकती, उन्होंने सर नोटिफिकेशन जारी कर दिया, केवल DSI और फ्लड डिपार्टमेंट करते हैं, वो विधायक उनसे सर उल्टा पैसा मांगते काम नहीं होता। सर लगभग 350 करोड़ रुपए के काम, सर ये हमने मीटिंग की थी सर चीफ सेक्रेटरी के साथ 2014 में 4/9/2013 को, फिर की सर 9/9/2014 को, 350 करोड़ रुपया वहां पर सीवर लाइन डल जाए, डेवलपमेंट के काम हो जाए, वो जितनी भी सर कॉलोनी है चाहे विजयनगर हो, महावीर इंकले हो, रंगपुरी हो, संगमियार हो, देवली हो, बदरपुर हो, संगमियार एरिया हो, तुगलकाबाद, पहलादपुर, लालकुआं, जितनी भी छतरपुर, इन कॉलोनियों में सर सीवर लाइन का काम डलना है। दूसरा सर मिस्टर केजरीवाल दिल्ली विश्वविद्यालय वहां कॉलेज खोलना चाहता है सर जस्टिस में, और वहां पर ग्राम सभा की जमीन बहुत पड़ी है सर, MCD डिस्पेंसरी बनाना चाहती है लोगों के लिए। केजरीवाल साहब जानबूझकर मुख्यमंत्री वो जमीन अलॉट नहीं करते हैं ग्राम सभा की, आपके माध्यम से मेरा शहरी विकास मंत्री से और सरकार से निवेदन है कि सर वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, दिल्ली देश की राजधानी है सर, 30 लाख लोगों से जुड़ा मामला है कि वहां पर कॉलेज खुल सके, डिस्पेंसरी बन सके, और 4 वर्ष सरकार को हो गए।